टिश्यू पेपर से बना होता है, जो मेनली टिश्यू पेपर से बना होता है, और ये मार्केट का जो सैनिटरी पैड है उससे, उसमें क्या होता है, प्लास्टिक होता है। तो ये हम उसका ऑप्शन देते हैं महिलाओं को कि जो बहनें मान लीजिए जिनको नहीं पता है कि हमें पीरियड के दिनों में क्या यूज करना चाहिए, तो उसके बारे में हम महिलाओं को जागरूक करते हैं, उनको ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो अभी काफी सारी बहनों ने न्यू ज्वाइनिंग किया है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट हमारा काम होता है वो होता है अपने काम को समझना। देखो, ज्वाइनिंग करने के बाद अगर हम मीटिंग में ना आए तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले हमें मीटिंग में आना, ये अपनी हैबिट में लाना चाहिए। काम हर किसी के पास होता है, जो भी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, लगभग 80 बहनें हैं मीटिंग में, तो काम तो उन सभी के पास है। तो वो अपना समय निकाल के यहाँ पे मीटिंग में आई हुई है कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, क्योंकि जब हमने कहीं पे ज्वाइन कर लिया है तो उसको अब आपने समझना है कि मेरा काम शुरू हो गया है। अब सबसे पहले मेरा काम है कि उसको मैंने सीखना। मान लीजिए आप कोई पार्लर में, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाह रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, आपकी मान लीजिए स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में ज्वाइनिंग होगी, इसलिए आपका एडमिशन हो गया। अब आपने पार्लर का काम सीखने के लिए वहां पे हर रोज जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो क्या आप लोग सीख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। वही काम यहाँ पे है। अगर मान लीजिए मीटिंग आपके घर पे हम दे रहे हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको एक टाइम दे दिया है, निश्चित टाइम है कि आपको 11 बजे की मीटिंग ज्वाइन करनी ही है, तो अब आपका पहला कर्तव्य है कि जितना काम, या तो मैं 11 बजे तक अपना काम निपटा लूँ, या फिर जो काम बच गया है उसको मैं मीटिंग के बाद कर लूँ। ये मेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि अगर मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे टाइम तो निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी अगर ना मैं समझूँ कि मैं काम आपको कर रही हूँ, अगर मैं मैं समझूँ कि मैं काम कर रही हूँ, तो मैं समय जरूर निकालूंगी। और अगर मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर मैं ना मैं टाइम निकाल पाऊंगी, ना मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊंगी। आज मैं 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी ले रही हूँ, तो क्या ये किसी मान लीजिए कंपनी में काम करके मैं घर बैठे ले रही हूँ, तो क्या बिना टाइम दिए ले रही हूँ? नहीं ले रही हूँ, मैं टाइम देती हूँ। शुरू से ही टाइम दिया है, शुरू से सीखा है, सीखने के बाद अपनी टीम बिल्ड की है, लेकिन उसमें मैंने इसको काम के रूप में लिया है कि ये मेरा काम है, मुझे अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो उस पे फोकस किया है। तो ये कई बहनें गलती करती हैं। कल भी मेरे पास दो तीन, जैसे मैंने बात की उनसे, तो वो प्रोडक्ट लेके घर पे बैठी हुई है और ये कह रही कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बता रहे हो? कह रहे नहीं बता रही हूँ। आपको डेमो करना आता है? बोले नहीं करना आता है। आप कभी मीटिंग में आते हो? बोले टाइम ही नहीं है। तो अब गलती किसकी है? अब गलती किसकी है? अगर आपको डेमो करना नहीं आता, आप किसी को बता ही नहीं रहे हो, आप मीटिंग में ही नहीं आ रहे हो, तो फिर गलती किसकी है? गलती तो कंपनी की नहीं है, ना गलती उसकी है जिसने आपको ज्वाइन कराया, ना गलती सिस्टम की है, क्योंकि सिस्टम तो पूरी तरह तरीके से आप लोगों को सिखाने पे फोकस कर रहा है। अब आप लोग सीखे ही ना, प्रोडक्ट लेके अलमारी में रख दिया, तो किसी को क्या पता आपके पास क्या चीज है क्या नहीं है? तो ऐसे थोड़ी ना आप लोगों का काम बढ़ेगा। और उसके लिए फिर ब्लेम करते हैं, कंपनी को करते हैं, अपने सीनियर को करते हैं, अपने ट्रेनर को करते हैं, तो इस सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो। आपने जितना पैसा लगाया था, कंपनी ने आपको उतना प्रोडक्ट दे दिया। प्रोडक्ट देने के साथ साथ वो आपको हर रोज 11 बजे की मीटिंग प्रोवाइड कराती है, हर पर्सन को ट्रेनर दिया हुआ है, ताकि आपकी कोई भी समस्या हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप अपने ट्रेनर से सीख सकते हैं। तो या आप अगर आप सीखे ही ना, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? तो फिर मान लीजिए दूसरे को ब्लेम नहीं देना चाहिए। पहले, सबसे पहले मेरा कर्तव्य है कि मैं मीटिंग में आऊं। अगर मुझे काम करना है तो मैंने ज्वाइनिंग किया है, तभी जाके अब मुझे सीखना है, सीखने के बाद मुझे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अभी सभी मीटिंग में जरूर आया करो।
ठीक है, तो सबसे पहले अभी लेवल इनकम पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चार प्रकार की इनकम होती है, वैसे लेवल इनकम को चार्ट पे यानी कॉपी पे ड्रॉ करके मैं आपको कल दिखाऊंगी, ठीक है। आज मैं आपको पहले मौखिक बता रही हूँ, फिर कल कॉपी के माध्यम से समझाऊंगी कि कई बहनों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना सेकेंड लेवल कैसे कंप्लीट करें। तो जैसे ये होता है, हमारे यहाँ पे चार प्रकार की इनकम, थोड़ा सा इनकम पे बात कर लेती हूँ। सबसे पहली इनकम होती है हमारी किट सेलिंग की। जैसे मान लीजिए मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मेरे पास आती है ज्वाइनिंग किट, ठीक है, एक ज्वाइनिंग किट आती है। अगर कोई एक्सल या डबल एक्सल दो प्रकार की मान लीजिए साइज होते हैं, तो ज्यादातर हम मिक्स भेजते हैं। अगर कोई बहन ये कहे कि भाई हमें एक्सल ही चाहिए, तो उनको एक्सल ही जाएगा, और अगर कोई कहे कि डबल एक्सल चाहिए, तो उनको डबल एक्सल जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे दोनों ही भेज दीजिए, तो मिक्स जाता है। तो जैसे ही ज्वाइनिंग किट आपके पास जाती है, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है डेमो करके देखना। डेमो करके देखना यानी कि सबसे पहले उसको सीखना कि जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, एक्चुअली उसमें जो चीज बताई जा रही है वो है या नहीं है, ठीक है। आप जो पहले सैनिटरी पैड यूज कर रहे थे, उसको लेना है। एक अपने अपना जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी पैड आप पे आया है वो लेना है। दोनों में पहले इक्वल पानी डाल के उसकी सोकिंग कैपेसिटी चेक करनी है, फिर लेयर बाय लेयर उसको खोल के देखना है कि हम कहते हैं कि ये प्लास्टिक फ्री है। तो अब आप चेक करिए उसको कि क्या वो वाकई में प्लास्टिक फ्री है, क्योंकि जब तक चेक नहीं करोगे तब तक आपको बताने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि आपने चेक नहीं किया है, आपके दिमाग में कुछ डाउट होगा। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य होता है डेमो खुद करके देखना, और डेमो ज्वाइनिंग किट पे ही आप करिए, ताकि वहीं से आपका काम आगे बढ़े। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग किट पे डेमो करिए, वहां से आपके पास जेल भी निकलेगा, तो जेल भी आपके पास आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये जेल क्या होता है। जेल को बना के रख लीजिए। अब आप दोबारा से ऑर्डर करते हैं, दोबारा से आप ऑर्डर करते हो बल्क में यानी फ्रेंचाइजी के रूप में, ठीक है। फ्रेंचाइजी यानी कि 6 किट, 6 किट अगर हम एक साथ ऑर्डर करते हैं उसको बोलते हैं हाफ फ्रेंचाइजी, और अगर 12 किट हम एक साथ ऑर्डर करते हैं उसको बोलते हैं फुल फ्रेंचाइजी। तो जब ये ऑर्डर करते हो, तो यहाँ आपको 2400 हाफ फ्रेंचाइजी के और 4800 रुपये फुल फ्रेंचाइजी के पे करने होते हैं विद कोरियर चार्ज, ठीक है। इसलिए एक्स्ट्रा कोई कोरियर चार्ज नहीं देना होता, ये विद कोरियर चार्ज होता है। तो अब आपको वो 400 की किट पड़ी, आपने किसी आगे दूसरी बहन को बताया। देखो ये है बताने का काम, ठीक है, जो जितना बता पाएगा उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि किसी भी चीज को का प्रमोशन बहुत जरूरी है। और प्रमोशन करने के लिए आपके पास अभी तो देखो मीडिया मतलब इसका फोन का कितना है कि आप ग्रुप बना सकते हो, आप अपना स्टेटस लगा सकते हो, आप इंस्टा पे डाल सकते हो, आप फेसबुक पे डाल सकते हो, यानी आप जैसे जितना ज्यादा इसका प्रचार कर सकते हो आपका उतना ज्यादा काम बढ़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आप किसी को बताओगे नहीं तो कोई आपसे क्यों किट लेगा, उसको क्या पता आपके पास क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें बताना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे ठीक लग रहा है, मेरी कोई बीमारी ठीक हुई है, तो मुझे बताने में क्या हर्ज है। क्या पता उस बहन को नीड हो और आपके बताने से उसकी नीड उसकी जरूरत पूरी हो जाए। तो अब आपकी यहाँ से पहली इनकम भी शुरू होगी, क्योंकि अब आप किसी को बताओगे वो आपसे डिमांड करेगी, और आपसे डिमांड करेगी तो आपकी पहली इनकम यहाँ से शुरू होगी। आपको पर किट से 100 रुपये बचने शुरू होंगे। तो ये होगी आपकी पहली इनकम, ठीक है। अब आपने किसी को किट दिया और उसको उसको अच्छा लगा, तो आप फिर उसको कन्वेंस कर सकते हो कि भी आपको अच्छा लगा, आपके आसपास भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको जरूरत है इस चीज की, तो आप भी बहुत कम इन्वेस्ट करके हमारे साथ काम कर सकते हो। क्योंकि इन्वेस्ट करना ही कितना होता है, 1200 से टॉप अप होता है, और 1200 में टॉप अप में भी 600 का तो आपके पास सामान आ जाता है, ओनली 600 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो उसमें आपका काम शुरू हो जाएगा। तो
तो जैसे ही वो महिला आपके साथ ज्वाइन करती है, चलिए ठीक है मैं भी काम करती हूँ, आपके साथ मिलकर एक टीम बना के काम करते हैं, तो आपकी दूसरी इनकम आएगी, वो आएगी ज्वाइनिंग की इनकम 250 रुपये, वो आपकी दूसरी इनकम होगी। अब आते हैं तीसरी इनकम पे। तीसरी इनकम होती है हमारी लेवल इनकम। लेवल इनकम में क्या होती है, हमारी कंपनी में दो प्रकार की पिन होती हैं। एक होती है जीरो पिन, जो आपकी आईडी पे शो होती है। जब भी हम ज्वाइनिंग करते हैं, हमारी आईडी पे 2 0 पिन ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। तो जीरो पिन किस लिए होती है, मान लीजिए आपने किसी न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाना है, तो ज्वाइन करने के लिए पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जीरो पिन का यूज होता है। जीरो पिन का यूज किसी भी न्यू मेंबर को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उससे आपकी न्यू मेंबर का आईडी एक्टिवेट होगी, और जब आप कंपनी से फ्रेंचाइजी लेते हैं, 1 किट ऑर्डर करते हैं, 6 किट ऑर्डर करते हैं, 12 किट ऑर्डर करते हैं, तब आपको मिलती है यूजर पिन, ठीक है। वो यूजर पिन आप जैसे ही अपनी आईडी में लगाते हो, तो आपका लेवल बनना शुरू होता है। लेवल बनना शुरू होता है, हमारी कंपनी में 9 लेवल का प्लान रखा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 9 लेवल है। तो उसमें मैं जो फर्स्ट लेवल होता है वो मैं खुद पूरा करती हूँ, वो वही बंदा पूरा करता है जिसने ज्वाइनिंग की हुई है। और सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, यानी कि 9 के 9 लेवल अगर वो पूरा करेगा, वो अपनी टीम की सहायता से करेगा। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लेवल खुद पूरा करना होता है, बाकी के लेवल आपके टीम के माध्यम से पूरे होंगे। कैसे होंगे, आपने किट मंगवाई, आपके पास पिन आई, आपने अपनी आईडी में वो पिन लगाई, वो भी आपको यहाँ आईडी खोलना आपको यहीं पे बताया जाएगा मीटिंग में ही, और आईडी यूजर पिन का यूज कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो जैसे ही हम उस पिन का यूज करते हैं, तो हमारी आईडी पे 25 रुपये कमीशन शो होने लगता है, जो मैं पिन लगाऊंगी। और अगर मेरे माध्यम से कोई महिला ने ज्वाइन किया है, वो पिन लगाएगी, तो उससे मेरा सेकंड लेवल कंप्लीट होगा, और उसके माध्यम से कोई आएगी तो वो मेरे थर्ड पे आएगी। तो ऐसे स्टेप वाइज स्टेप ये चलता है। तो ये हमारा होता है लेवल इनकम, जो बहुत अच्छी इनकम आपको दे सकता है, और इसके साथ साथ आपको मिलता है रिवार्ड, क्योंकि जब भी कोई ये लेवल हमारा पूरा होता है तो हमें रिवार्ड भी मिलता है। तो ये होती है हमारी तीसरी इनकम। और लास्ट और चौथी इनकम होती है सैलरी की, जो ट्रेनर की पोस्ट पे काम करके मिलती है। ट्रेनर की पोस्ट के लिए क्या क्या होना जरूरी है, एक तो टीम का होना जरूरी है, सबसे पहले आपके पास टीम होनी चाहिए, दूसरा आपको जूम मीटिंग लेनी आनी चाहिए, ये तीसरा आपको पिन के बारे में, आपको आईडी के बारे में, आपको हर एक चीज के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अब आप ट्रेनर अगर आप बनते हो तो अपनी टीम का सारा काम आपको करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मेनली होता है समय देना, अगर वो समय दे सकता है तब ही वो ट्रेनर की पोस्ट पे काम कर सकता है। तो इसमें जो और अगली होती है, मान लीजिए वीडियो बनाना, तो वीडियो बनाना भी उसके लिए कंपलसरी होता है। कई बार कुछ चीजें हमने अपनी उसमें अपनी टीम को वीडियो के माध्यम से भी समझाना पड़ता है। तो उसमें एक ट्रेनर में हर तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल बेबाक बोल सकता हो, अच्छी जूम मीटिंग ले सकता हो, हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकता हो, उसके पास अपनी टीम हो, तो हर तरीके से वो एक्टिव हो, तो वो ही ट्रेनर की पोस्ट पे काम कर सकता है। तो ये 4 प्रकार की इनकम हमारे यहाँ पर आपको मिलती है। अब मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि आजकल मतलब बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, आप लोगों के पास भी आ रहे होंगे, मतलब 4 स्टेप का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, 4 स्टेप कंपनी का। मैं बताऊं उसमें सबसे ज्यादा क्या है कि नो सेलिंग, नो सेलिंग, नो सेलिंग, वहां पे सिर्फ ये ही दिया कि कोई सेलिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक बार आईडी लगा के छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब भी किसी का फोन आए तो कम से कम उसको आप अच्छे से जवाब दिया करो कि बिना सेलिंग के क्या कोई काम होता है,
नहीं होता है। ये सिर्फ भ्रमित करने का एक तरीका होता है, आप लोगों के दिमाग में डाल दो कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बार ज्वाइनिंग करा लीजिए, बैठे बिठाए मिल जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं होता जो आपको फ्री में दे, जो आपको बिना बात के फ्री में बैठे बिठाए दे, क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। तो अगर ऐसे लुभावना या कोई भी आपसे कुछ भी कहे इस बारे में, तो जरूर उसको अच्छे से जवाब दिया करो, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। अच्छा, उनमें एक बात कहते हैं कि सिर्फ 2 पर्सन को लेके आओ, सिर्फ 2 ज्वाइनिंग कराओ। अब आते हैं वे अपने पे, पहले 2 ज्वाइनिंग कराओ तब आपको इनकम आएगी, फिर वो आगे दो दो ज्वाइनिंग कराएंगे फिर आपको इनकम आएगी। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए मैंने किसी को ज्वाइन कराया, अभी यहाँ पे एक पर्सन है मुकेश बालाजी, वो कम से कम 7-8 महीने से हमारे साथ काम कर रही है, लेकिन वो सेलिंग अच्छा कर रही है, लेकिन बाय चांस वो टीम नहीं बना पा रही है, वो है हमारे साथ मीटिंग में लेकिन आज तक उसका काम नहीं रुका है। क्यों नहीं रुका? क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा है, उसके घर से प्रोडक्ट निकल रहा है, और बाय चांस अगर उसको एक ही मौका दिया जाता कि भाई आपने ज्वाइनिंग कर लिया, आप 2 पर्सन को लेके आओ तब जाके आपकी इनकम आएगी, तो उसकी तो इनकम आज तक भी जीरो होती होती ना जीरो, क्योंकि मान लीजिए ज्वाइनिंग करनी इतनी आसान नहीं होती, लेकिन आज वो अच्छा काम कर रही है, मीटिंग में आ रही है, मान लीजिए नहीं आगे कोई ज्वाइन हुआ, लेकिन वो खुद से तो काम कर रही है ना, खुद से तो इनकम आ रही है, लेकिन जो ये सिर्फ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग के ऊपर जो काम होता है, और फिर उसका भी मैचिंग, मान लीजिए मैंने 2 मेंबर ज्वाइन कराए, एक मेंबर तो मेरा एक्टिव निकल गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक मेंबर ने कुछ नहीं किया, अब मैचिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ना वो जब तक वो दूसरा मेंबर काम नहीं करेगा तब तक मैचिंग नहीं होगी, और फिर इनकम ही नहीं आएगी। तो ये सरासर मान लीजिए दिमाग खराब करने वाली बातें होती हैं, सिर्फ आपका पैसा वेस्ट करने वाली, क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा 4-5 हज़ार रुपए का, वो भी आपको शैम्पू मिलेगा, वो भी आपको फेस वॉश मिलेगा, मतलब वो चीजें जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, सारा पैसा आपके घर में इन्वेस्ट हो जाएगा और फिर आप खाली। मतलब मेरी टीम में बहुत सारे फोन आ रहे हैं, इसलिए मैं आज आपको मीटिंग में इस चीज के बारे में बता रही हूँ कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके प्रोडक्ट की नॉलेज, उसके प्लान की नॉलेज, उसकी हर चीज की नॉलेज अच्छे से हो, क्योंकि पैसा आपका है, आपने इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको लगता है कि मैं ये काम कर पाऊंगी तभी जाके वो इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो देखो बहकाने वाले तो बहुत सारे आते हैं, तो इस चीज में नहीं फंसना चाहिए। हम जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी सीधे सीधे महिलाओं को नीड है, ये भी समझना चाहिए। आज वो टूथपेस्ट अगर नहीं, मान लीजिए कितने सारे टूथपेस्ट हैं उनके पास, और फिर हम तो आपको फ्री का बताते हैं कि अगर आपको समस्या है दांतों में तो आप हल्दी, आप फिटकड़ी, आप त्रिफला, आप नमक, ठीक है, सारे सब चीजें लेके उसका पेस्ट बना के वो आप करिए, तो यहाँ भी कोई आपका पैसा वेस्ट हो रहा है क्या? और उससे आपके दांत भी सुरक्षित रहेंगे, उससे आपके मसूड़े भी सुरक्षित रहेंगे, उसके आप दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या भी ठीक होगी, ठीक है, तो उस चीज भी आइए ना जो आप कर सकते हो। और वही टूथपेस्ट अगर आप 200 रुपए का लेके और वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहां पे अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो देखो किसी को हम फोर्स नहीं करते, लेकिन कम से कम जो चीज सही है वो सही है और जो चीज गलत है वो गलत। तो जब भी आपसे कोई इस चीज के बारे में पूछे तो आप सीधा सीधा करिए कि फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता, आज तक फ्री के ही दिखा दिखा के मतलब लूटने का काम चल रहा है। हम तो यहाँ पे जब भी कोई ज्वाइन करता है सीधे बताते हैं कि भाई सेलिंग का काम है, आपको बताना पड़ेगा, मान लीजिए आपने 2400 का प्रोडक्ट मंगाया, 2400 का ही आपके पास आ गया, कंपनी के पास कोई पेमेंट नहीं रही, अब आपने किसी को बताया वो दिया, उसकी कोई बीमारी ठीक हुई, एक तो दुआ देगी आपको, और दूसरा आपका मान लीजिए पैसा आपके पास आ गया, 400 का लिया, 500 का दिया, 100 रुपये आपको बच भी गए, आपने दूसरे की समस्या को भी ठीक कर दिया, तो कहीं कोई
गलत नहीं है। अगर आपके पास ज्वाइनिंग नहीं भी हो रही है तब भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, और अगर ज्वाइनिंग हो रही है तब भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह से आप लोग अच्छा कमा सकते हैं। और साथ के साथ स्वास्थ्य पे फोकस हो रहा है, जो मेन मेन होता है, आपको हर चीज की नॉलेज दी जा रही है, तो इससे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि आपके पास है। तो ये आज का था। कल मैं लेवल इनकम को कॉपी पे ड्रॉ करके आपको बताऊंगी, तो कल की मीटिंग सभी ने ज्वाइन करनी है। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को ने कुछ कहना है तो आप हैंड रेज करके कह सकते हैं। जो मैंने आज बताया आपको दूसरी कंपनी के बारे में, मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं टीम पे, उनका कॉल मेरे पास आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि भी मीटिंग में सबको अलर्ट कर दूं कि सोच समझ के फैसला करना चाहिए। ठीक है, तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है या पूछना है या कोई फीडबैक है किसी के पास तो जरूर शेयर करें। परमेश्वरी देवी जी, और परमेश्वरी देवी जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनकी ज्वाइनिंग किट भी इनके पास अभी नहीं पहुंची है, और इन्होंने अपना ऑफर भी क्वालिफाई किया है, मतलब बेस्ट है। जिसके पास ज्वाइनिंग किट नहीं पहुंची, उन्होंने 3 फ्रेंचाइजी 2 टॉपअप का ऑफर क्वालिफाई किया है, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन किसी कारणवश इनकी जो किट थी वो कहीं अटक गई थी, तो जो नहीं पहुंची है, अब इनके पास 7 किट पहुंचेगी जो इन्होंने लगवाई थी बाद में। जी परमेश्वरी जी बताइए। जी नमस्ते रीना दीदी नमस्ते। जी, मैं तो ये पूछना चाहती थी कि जैसे नया मेंबर मैंने कोई जोड़ा है, उसके मुझे 250 रुपये मिलते हैं, तो वो क्या हर महीने मिलते हैं या एक ही बार मिलते हैं? वो एक ही बार मिलते हैं, वो एक ही बार मिलते हैं। अब उससे अगला फायदा आपको तब होगा जब वो पर्सन यहाँ से किट लेगा, और किट लेने के बाद जब भी वो पिन लगाएगा तो उससे आपको फायदा होगा। एक पिन वो लगाएगा तो 15 रुपये आपको मिलेंगे, 2 पिन लगाएगा तो 30 रुपये हो गए, फिर तीसरी पिन लगाएंगे कि 15 15 रुपये वो आपको जुड़ते रहेंगे, तो वो फायदा होगा उससे दूसरा। जी ठीक है, जी दीदी ये एक ही बार मिलता है। जी दीदी, हमने जो अब ये 3 फ्रेंचाइजी ये हमने मंगवा ली, और इनको जैसे एक फर्स्ट लेवल के लिए 20 किट हमें लेने पड़ते हैं, एक फर्स्ट लेवल, तो इसमें जी ये फर्स्ट लेवल का भी हमें प्रॉफिट मिलेगा? हाँ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और जो बाकी की पिन आपकी बच जाएंगी वो आप अपने सेकंड लेवल में लगा लेना, जी, ठीक है, वो भी आपको बता देंगे कि कैसे सेकंड लेवल में लगानी। दीदी ठीक है, धन्यवाद जी, ओके धन्यवाद दीदी। जी। मंजू जी, मंजू जी, किरण जी आप बताइए। नमस्ते दीदी, जी नमस्कार। हमने संजना विश्वकर्मा को जोड़े हैं इसमें, तो मैम उनको दिक्कत है, उनका जो बच्चेदानी है डॉक्टर बोल रहा कमजोर है, बच्चा तो कंसीव होता है लेकिन 2 महीना 3 महीना रुपया नुकसान हो जाता है। तो अभी अभी मीटिंग में मीटिंग है जी मैम है, मीटिंग में संजना विश्वकर्मा है मीटिंग में, संजना तो जी, आप अगर माइक, संजना जी है मीटिंग में तो थोड़ा सा माइक ऑन करिए। जी जी मैम, क्या प्रॉब्लम होती है आपको, थोड़ा सा बताइए। प्रॉब्लम यही है मैडम कि बच्चेदानी का मेरा मुंह खुल जाता है जल्दी से, और डिलीवरी रुकता है तो फिर गिर जाता है बार बार। आप मुझे पर्सनल में मैसेज करिए, मैं जी पर्सनल में आपको बताती हूँ। वैसे बता भी दिया, कल्याण घृत मुलेठी और गुलकंद का सेवन करें, भैया ने बता भी दिया है।
कल्याण गृह आता है जो महिलाओं की बच्चेदानी को स्ट्रोंग बनाता है, साथ में मुलेठी, ठीक है, मुलेठी का सेवन करना है और गुलकंद का सेवन करना है। तो ये तीन चीजें आपके ऐसे लिए बताई है, तो आप इसका सेवन शुरू करिए और साथ में पर्सनल पे संपर्क करते रहिए, ठीक है? ठीक जी जी है। मैम दोबारा नाम तीनों चीजों का नाम कल्याण मुलेठी गृह, मुलेठी, गुलकंद, और ये सभी गुलकंद। नोट कर लें, ये सभी नोट कर लें। अगर किसी को ऐसी कोई समस्या होती है, ठीक है, क्योंकि देखो सभी के पास कभी ना कभी तो ऐसा कोई आएगा ही पेशेंट, अगर बार बार गर्भपात हो रहा है, बच्चेदानी कमजोर है, तो आप लोग उसको सेवन करा सकती हैं इन चीजों का, तो आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है? हाँ, कल्याण मैम ग्रंथ को फल ग्रंथ भी ग्रुप बोलते हैं, में डाल ठीक है? अगर कल्याण ग्रुप देना में भी डाल देंगे ठीक और यहाँ भी आपको बता दिया गया है, मैम ठीक है? ओके ओके चलिए चलिए, डन। मंजू जी। दीदी अरे पेड यूज करा बेटी, बेटी ने मेरी ने, तो उसको बोल रहा कि पेंटिंग में उसको ग्रिप नहीं आ रही है, प्लास्टिक से जैसे वो चिपकाते हैं दोनों साइड से तो वो ग्रिप नहीं आ रही है, तो उससे थोड़ा टेंशन रहता है कि हाँ खुल जाएगा निकल जाएगा। और एक ना उसको डिस्पोज करने की उसको प्रॉब्लम जा रही है, जैसे पहले विस्पर यूज करती थी उसके साथ में प्लास्टिक का ऊपर कवर रहता था तो वो उसके अंदर डाल करके डिस्पोज कर देती थी, तो बोले मम्मी उसको डिस्पोज कैसे करूँ उसको। देखो इसके लिए क्या है कि भी हम बोलते हैं कि अखबार में रैप करो, क्योंकि अब ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है, हम प्लास्टिक फ्री अभियान चला रहे हैं, हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो, तो सीधा सीधा है कि आप पेपर रखिए, मतलब न्यूज़पेपर का रखिए टुकड़ा, और उसमें रैप करके अच्छे से फिर आप उसको डिस्पोज कर दीजिए, ताकि वो, क्योंकि कागज है, जल्दी गल जाएगा और फिर अंदर से भी वो डिस्पोज हो जाएगा, तो ये एक मतलब सही तरीका होता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि कवर वाला, तो आप उसको बोले कि पहले पैंटी पे चिपकाए, पहनने के बाद नहीं, कहीं होते ना पहनने के बाद मतलब पैंटी पे तो फिर दीदी जैसे एक बार लिया फिर 4 घंटे उसको बाद में नहीं, चेंज आप उसको करना, पहले करिए, तो नहीं जैसे पैंटी पे 4 घंटे पहले बाद लगा में के, तो मान लीजिए देखो मुझे लगता है कि मेरे पास एक पैंटी तो नहीं होती, दो या तीन तो होती ही है, तो मुझे आज दो दो मान लीजिए चेंज करना पड़ेगा, मुझे पहले पता है, क्योंकि फ्लो का अपने आप को सबको पता होता है, तो पहले ही सुबह ही आप दो पैंटी पे उसको लगा के या तीन पैंटी पे उसको लगा के अच्छे से आप रख लीजिए, और जब भी आपको चेंज करने की जरूरत हो तो पैंटी ही चेंज कर लीजिए, ये बहुत सही तरीका होता है। देखो हम खुद ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उस पे वो अच्छे से चिपक भी जाता है, हमें बार बार मान लीजिए उसको वहीं पे चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम तो ऐसे ही करते हैं, दो पैंटी पे पहले ही चिपका के रख लेते हैं और बाद में वही चेंज करते हैं, क्योंकि इजिली बाथरूम में ही चेंज करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देखो प्लास्टिक पे गम ज्यादा होता है वो अच्छे से, जी लेकिन यहाँ पे जो गम है वो फ्रूट गम का यूज किया गया है, तो हमें उस जैसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लास्टिक तो प्लास्टिक है। अब अगर हम चाहें कि हमें वही हो, तो फिर वो जागरूक होने का फायदा क्या हुआ? तो हमें कुछ हैबिट तो चेंज करनी पड़ती है। मान लीजिए पहले हम उस तरीके से लगा रहे थे, वो हमारी पैंटी को भी खराब कर रहा था, क्योंकि ज्यादा गम होता है तो पैंटी की लेयर को भी वो निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हमारी पैंटी भी सेफ है, और हाँ बस हमने क्या करा, तरीका बदल लिया, हमने पहले से ही मेंटेन करके रख लिया, मैंने दो पैंटी पहले से ही मेंटेन करके रख ली, और बाद में सिर्फ मैंने उसको चेंज चेंज करना रह गया, तो कुछ हैबिट तो बदलनी पड़ेगी, तो ठीक हम है मंजू डायरेक्ट जी? बाथरूम में डायरेक्ट फ्लश नहीं कर सकते क्या, क्योंकि नहीं बायोडिग्रेडेबल है नहीं प्लास्टिक नहीं फ्लश करोगे, क्योंकि देखो जेल होता है, जेल क्या करता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो उन चीजों को जाके रोक देगा, आप ये भी समझिए, क्योंकि इसके अंदर जेल है, आप जितना ज्यादा फ्लश करते रहोगे तो वो उतना ज्यादा फिर वहां पे जाके अटकाव पैदा करेगा, तो वहां तो मत कीजिए फ्लश, आप इसको बाहर ही थ्रो करिए, और वो भी रैप करके अखबार में। ओके थैंक यू दीदी। ओके नीलम जी, नीलम सैनी।
नमस्कार दीदी। जी नमस्कार। हाँ, मेरी ना भाभी हैं, उनको ना मतलब वो पीरियड्स जो है ना, कभी आते हैं कभी नहीं आते। वो जैसे चेक कराया तो उनका प्रोजिस्ट्रोन तो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स कम। फिर उनको क्या बताऊं मैं, मैंने पैड तो उनको दे दिए, उनको उनको ये भी पैड, बताया। उनको एक तो क्लींजिंग बताओ उनको, ठीक है। मान लीजिए 1 मंथ वो पूरा अच्छे से क्लींजिंग करेंगी, यानी कि अरंड के तेल की मसाज, उसके बाद वो वहां पे शेक करेंगी, गर्म पानी का शेक करेंगी। और उसके बाद जैसे वो बताया था ना बीज वाला, जैसे अलसी के बीज लेने हैं, पहले 15 दिन सुबह के टाइम अलसी के बीज लेने हैं, शाम के टाइम कद्दू के बीज लेने हैं, फिर 15 दिन जो होते हैं बाद के, तो वो सुबह के टाइम आपने इसके क्या होती है ये, सूरजमुखी के बीज लेने हैं, ठीक है, मैम वो सुबह के वाला। टाइम शाम को सूरजमुखी के बीज बताया था। हाँ, सूरजमुखी के बीज लेने हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम। फिर मतलब जो भी है मैं आपको डाल दूंगी ग्रुप में, कि अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। तो क्योंकि ये बीज जो है ये हार्मोन्स ठीक करते हैं, हार्मोन्स को ठीक करते हैं, तो ये वाला चलेगा और क्लींजिंग वाला चलेगा। पीरियड्स नहीं आ रहे तो उनका पेट काफी निकल गया बाहर। हाँ, तो वो मतलब जो जैसे क्लींजिंग करेंगे ना, तो वो अंदर की सारी सफाई कर देगा। मान लीजिए मैं मालिश वहां की अच्छे से मसाज कर रही हूँ, फिर वो भाप भी मतलब वो गरम पैड भी वो लगा रही हूँ, जो गरम से सिकाई करते हैं वो भी कर रही हूँ, तो वो जितना भी अंदर डस्ट इकट्ठा हो गया होगा, गंदगी इकट्ठी हो गई होगी, तो पीरियड में निकल जाएगी। तो वो एक क्लींजिंग का प्रोसेस होता है, तो वो करेंगे तो, और साथ में ये बीज वाला करेंगे तो ये हार्मोन्स को ठीक करेगा और साथ में अंदर की सफाई भी हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा। तो ये आप बता सकते, ठीक है, और मैम जो ओके। पैड हाँ, है वो लगाते रहे, पैड पैड जो है वो वो लगाती है। हाँ, पैड लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, पानी डाल के लगा लीजिए, क्योंकि वो जो स्वेलिंग स्वेलिंग होगी थोड़ी बहुत, तो वो भी ठीक हो जाएगी। 1 मंथ तो कर ही लीजिए, ठीक है। नमस्ते रीना रीना जी, दीदी। नमस्ते जी रीना दीदी। जी हाँ दीदी, नमस्कार। 19 साल की गुड़िया है बेटी, उसको क्या पीरियड्स आते थे, तो आपसे ना पूछा तो आपने वो बीजों का बताया, तो उसे पूरा प्रोसेस चेंज किए तो उसके पीरियड्स जो है ना बिल्कुल रेगुलर हो गए हैं अब। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हाँ, बात है। जैसे जैसे आपने बताया ना हमने वही किया। सुबह को उसने ना 15 दिन तो है ना अलसी और वो सूरजमुखी और है ना कद्दू के बीज और तिल के बीज, ये सारे उसने पूरे प्रोसेस किया। तो अब उसका पीरियड, पहले तो 15 15 दिन डिस्टेंस रहता था, कभी 10 दिन रहता था, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, ये भी परेशान होती थी, लेकिन आपके आपसे पूछने के बाद अब वो 19 को खत्म हुए तो अब 19 को ही आए। लेकिन दीदी अभी बहुत अच्छा। 3 दिन हो गए उसको, लेकिन अभी इसको है ना ब्लडिंग बहुत हो रही है। तो उसके लिए एक तो गुलकंद खिलाइए उसको, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, नीचे गर्मी बहुत होगी, मतलब यूट्रस में कई बार गर्मी, ओवर गर्मी की वजह से भी हो जाता है, या फिर वो पीरियड के टाइम में ही चावल और उसका धनिये का बताया था, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, यूट्रस। गुलकंद कैसे खिलाना है, ऐसे बस चम्मच भर के मतलब खिला दूं? हाँ, चम्मच भर के खिला दीजिए, या तो शाम को दूध के साथ ले लेगी, या फिर दिन में पानी में घोल के भी ले लेगी। अगर मान लीजिए पानी में जैसे घड़े का पानी या सिंपल पानी लिया, उसमें 1 चम्मच उसने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया और बाद में वो पी लिया, तो उस तरीके से भी ले सकती है। अच्छा, अगर उस तरीके से नहीं लेती है और सिर्फ खा मतलब चम्मच भर के खा सकती है तो वो खा हाँ, तब भी कोई, लेगी? हाँ खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए शरीर में किसी भी माध्यम से जाए। अच्छा, और चावल का पानी और है ना मतलब वो दूं उसको, हाँ, वो चावल का पीरियड के टाइम में, पीरियड के टाइम। अच्छा, आज तीसरा दिन है तो बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रही है उसको। तो आप उसको दीजिए। और ये भी दे सकते हैं, नाग केसर का चूर्ण भी दे सकते हैं, और अभी भैया ने बताया था वो परवाल पृष्टि, वो भी दे सकते हैं, और फिटकरी का पानी, जिसको ओवर ब्लीडिंग होती है ना, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको फिटकरी का पानी दे दीजिए, अच्छा, थोड़ा सा मतलब पानी में डाल पीरियड। के हाँ, पीरियड वो में पानी बिल्कुल पी, वो पानी पी लेगी, जितना गेहूं दिन के में दाना होता है ना, 2 3 बार दे दीजिए।
जितना जी गेहूं के जी दाने का है उतना ही घोल लीजिए पानी में, 1 गिलास पानी में, और वो पिला दीजिए, ठीक है। इससे जी भी हाँ जी ओवर मैम, ब्लीडिंग ठीक होती है बंद हो गई है। जी। सोनी जी, जी नमस्ते दीदी। जी नमस्कार सोनी जी। दीदी मैं आप एक बताई थी ना, वो ये जो किडनी में रहते हैं पथरी, उसका इलाज आपने बताया था, जो खरबूजे का बीज, नक्का, बादाम, ये मैंने एक लेडीज को बताया, उनकी 17 mm की पथरी थी दीदी, अच्छा अच्छा लखनऊ में उनका ऑपरेशन का डेट पड़ा था। पास आए तो मैं उनको बोली, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, हो जाएगा ठीक। हम कहे हाँ आप करिए तो सही। तो उन्होंने मैम खिलाया, और 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाई है, अभी 1 हफ्ते हुए, उनकी 2 mm पथरी कम हुई है मैम। चलिए बहुत बढ़िया। पर